हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार एक विला। जैसा कि आप लोगों की फरमाइश थी कि भैया वीडियो ऐसा लेके आओ, ऐसा विला लेके आओ हमारे लिए जिसमें स्टेयर्स बाहर से दी हुई हो ना कि अंदर से, तो भैया ऐसा ही विला हम आज आपके लिए लेके आए हैं जिसकी जो स्टेयर्स हैं वो बाहर से है, तो आप जो है ईजीली उसको रेंट आउट कर पाएंगे जिससे कि आपका जो है एक अर्निंग सोर्स भी चालू हो जाएगा छोटा सा। अच्छा, तो चैनल पे भैया आप अगर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जिससे कि जो है हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम आगे आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाते रहें। तो अगर हम भैया देखो लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है इसकी नियर सेंट टेरेसा स्कूल, अम्बे हॉस्पिटल, निवारू रोड, झोटवाड़ा। और अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं इस प्लॉट की तो 15x60 का जो इसका डायमेंशन होने वाला है, 100 गज में आपको ये विला बना हुआ मिलता है। यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 वॉशरूम और 3 बेडरूम। वेस्ट फेसिंग है, सीवर लाइन भी डली हुई है कॉलोनी के अंदर, और साथ ही साथ पानी के लिए बोरिंग की जो सप्लाई है वो आपको यहाँ पे मिलती है, सोसाइटी की बोरिंग। और सेमी फर्निश्ड कंडीशन में आपको ये मिलेगा। और JDA अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है, 90% लोनेबल है। और जो प्राइस है, प्राइस भैया जो है वो सरप्राइज है, वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तब तक के लिए करिए आप इसका एक क्विक टूर और मिलते हैं फिर आगे वीडियो में। तो चलिए अब हम करते हैं इस विला का डैप टूर। अगर हम रोड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 30 फीट की रोड मिलती है, और जो सामने आप रोड देख रहे हैं वो 60 फीट की है, और जो है सिर्फ खाली 20 मीटर की डिस्टेंस पे जो है आपको ये विला मिल जाता है। विला का जो एलिवेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है। 15 का फ्रंट मिलता है जो कि एक बहुत अच्छा फ्रंट है। जैसे हम यहाँ एंटर करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको पार्किंग के लिए एक पोर्च। यहाँ पे आप इजीली अपनी एक SUV पार्क कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्च्यूनर अगर आप रखते हैं तो फॉर्च्यूनर भी आपकी यहाँ पे इजीली पार्क हो जाएगी, और साथ ही साथ आप अपना 2-व्हीलर भी जो है यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। अगर हम टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 से 6 हज़ार लीटर के आसपास जो है आपको टैंक की कैपेसिटी का टैंक मिल जाता है। मोटर के लिए आपको सेपरेट पोर्शन दे रखा है मोटर रखने के लिए यहाँ पे। और किचन के जो वेंटिलेशन हैं कुछ इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। अगर हम बात करें सीलिंग के डिज़ाइन की तो सीलिंग के डिज़ाइन यहाँ की कुछ इस तरीके से दी हुई है, वुडन स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है। आइए अब हम चलते हैं हमारे लिविंग एरिया की तरफ। और साथ ही साथ इस विला की जो ख़ास बात है, जो उसको सबसे अलग करती है, वो ये है कि इस विला के अंदर आपको बाहर से स्टेयर्स मिलते हैं जिससे कि आप इस प्रॉपर्टी को या आप अपने दूसरे पोर्शन को रेंट आउट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपका लिविंग एरिया हो गया, कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है। आप देख पाएंगे पीछे की तरफ जो है यहाँ वॉलपेपर का यूज़ नहीं किया इन्होंने, यहाँ पे टेक्सचर्ड पेंट इन्होंने यूज़ किया है। और आप सीलिंग की डिज़ाइन आप देखेंगे, बहुत ही अच्छी फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन है विद एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। और साथ ही साथ जो है सामने की तरफ आपको मिलता है LED पैनल, वुडन LED पैनल आपको यहाँ पे मिल जाता है। वॉश बेसिन सिंक के लिए आपको स्पेस दी गई है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे प्लेस हुआ मिल सकता है। और यहाँ पे जो है आपको पूजा के लिए सेपरेट एरिया दे रखा है, पूजा रूम के लिए, पूजा के लिए सेपरेट आपको स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे जो है आप अपनी भगवान के साथ में जो है लीन होकर उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। और किचन के मामले में जो है किचन बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है, और जो साइज़ है किचन की वो काफ़ी अच्छी है, आप देख पाएंगे कितनी बढ़िया साइज़ है। तो किचन के मामले में जो है लेडीज़ डिपार्टमेंट बड़ा खुश रहने वाला है। यहाँ पे रैक्स जो है, हर तरह के रैक्स यहाँ पे दे रखे हैं जो जो भी एक ज़रूरत होती है सामान रखने के लिए, सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में। यहाँ भी जो है आपको बढ़िया रैक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप देख पाएंगे। पावर सॉकेट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो है नल जो है आपके यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे।
और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे सेपरेट स्पेस दे रखा है जहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर जो है आप रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक ही बेडरूम मिलता है। फर्स्ट बेडरूम का जो इंटीरियर है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मिल रहा है आपको टेक्सचर्ड पेंट और सीलिंग की डिज़ाइन आप देख पाएंगे, बहुत ही अच्छी और एलिगेंट डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे जो है यूज़ करी है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको वेंटिलेशन इस रूम का। पीछे का जो सेटबैक है उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं किस तरह का वेंटिलेशन आपको दिया हुआ है। जाली के थ्रू आपको वेंटिलेशन मिल जाता है और यहाँ भी जो है काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ इजीली जो है आप अपना कूलर वगैरह रख सकते हैं। पानी के पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एसी का आउटडोर यूनिट का पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं वॉशरूम की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है आपको वॉशरूम यहाँ पे दिया हुआ है। सैनिटरीज वगैरह जो है आपको लगा दी जाएंगी जब आप इसको परचेज करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखते हैं क्या क्या और किस तरीके से डिटेल्स होने वाली है। अगर हम स्टेयर्स की बात करें, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग के साथ में आपको ग्रेनाइट लगा हुआ यहाँ पे मिलता है स्टेयर्स पे। और जी अब हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में जो है आपको दो रूम और एक किचन आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये हमारा लिविंग एरिया है, इसका इंटीरियर आप देख पाएंगे। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और एलिगेंट डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे बनाई है। और यहाँ पे जो है आपको एक वॉशरूम दे रखा है इंडियन स्टाइल के अंदर। और अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। बेडरूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके से इंटीरियर मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और तो और यहाँ पे आपको जो है वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं आयरन की। और वेंटिलेशन के लिए आपको जो है विंडो दे रखी हैं। पीछे जो सेटबैक है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना कूलर वगैरह प्रेस कर पाएंगे। एसी की आउटडोर यूनिट के लिए आपको जगह मिल जाती है। और यहाँ का जो वॉशरूम है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। अब हम चलते हैं हमारे आगे सेकंड बेडरूम की तरफ। उससे पहले बीच में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे किचन मिलेगी, मॉड्यूलर किचन कुछ इस तरीके से। और हर तरह के जो कैबिनेट्स हैं वो यहाँ पे आपको मेज दे रखे हैं। सभी तरह के जो रैक्स हैं ज़रूरी होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वॉशिंग सिंक आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। और ये जो थर्ड बेडरूम है ये भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे जो है इजीली आपका एक बेड आ जाएगा और यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाती हैं एक अच्छी साइज़ के अंदर। फुल साइज़ में आपको वार्डरोब मिल जाएंगी लोहे की। ऊपर भी आप जो है सामान स्टोर कर पाएंगे। यहाँ की सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ भी आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है सीलिंग में, फॉल सीलिंग के अंदर। और अब हम देख लेते हैं जो इसकी बालकनी है। बालकनी के अंदर लोग अक्सर शाम का टाइम अपना सुबह का टाइम जो है स्पेंड करना पसंद करते हैं। बालकनी भी जो है एक डिसेंट साइज़ में आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाती है इस तरीके से। ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन आप देख पाएंगे। आसपास की जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी। अब हम चलते हैं हमारे टेरेस की तरफ और देखते हैं टेरेस पे आपको क्या और किस तरह से डिटेल्स आपको मिलने वाली है। टेरेस पे जो है आपको सारी जो है फ्लोरिंग टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है जिससे कि नीचे कोई भी सीलन की प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी। वेंटिलेशन के लिए आपको
जो है कटआउट मिल जाता है यहाँ पे। और आसपास का आप एरिया देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और काफ़ी सारे जो मकान आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, वहाँ पे आप देख पाएंगे तो उधर सेंट टेरेसा स्कूल आपको मिल जाएगा। तो स्कूल, सुपरमार्केट, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही नज़दीक में मिल जाएगी। 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस विला से। आगे का एरिया देख लेते हैं हम, फ्रंट का आप पूरा एक एरिया देख पाएंगे आसपास का, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। आसपास में काफ़ी सारी सजावट है। तो कुछ इस तरीके से थी इस पूरे विला की डिटेल्स। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो है वो है इसकी 50 लाख रुपए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना, अरे भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी और आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हो आगे, किस तरह का प्रॉपर्टी जो प्रोजेक्ट है वो आप देखना चाहते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो जो नंबर है वो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर आप जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, विज़िट करिए और अपने सपनों का घर ले लीजिए। ठीक है, तो ये थी कुछ इस तरीके से डिटेल्स। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।